अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। जरा सी बरसात में बाहर जल भराव है, कहीं जा नहीं सकते, कोई बात नहीं, शुक्र मनाइए कि आप मेरठ में हैं। हिमाचल और पंजाब में बुरा हाल है, मनाली में कारें बह गई और भारी भरकम ट्रक भी। मेरठ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाँ सड़कों पर घुटनों तक पानी जरूर जमा हो गया। क्या खास और क्या आम, सभी जगह एक जैसा सीन। देखते ही देखते सड़कें नाले में तब्दील हो गई, या यूं कहिए कि नालों में पानी को जगह नहीं मिली तो वह सड़क पर आ गया। निचले इलाकों की बात छोड़िए, पॉश कहे जाने वाले इलाके भी पानी पानी हो गए। पानी पानी नहीं हुए तो इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार नगर निगम के अफसर और जनप्रतिनिधि। अफसरों की ये वही बड़ी फौज है जो हर साल नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के बिल बनाती है। यह बात और है कि इसकी जवाबदेही किसी की भी नहीं है, नहीं तो नगर निगम के अफसरों की और न ही जनप्रतिनिधियों की। पूर्व में महापौर बसपा से सपा में आई सुनीता वर्मा थी, उनकी शिकायत थी कि नगर आयुक्त उनकी सुनते नहीं, लेकिन अब भाजपा के महापौर हरिकांत अहलूवालिया हैं। मेरठ में ट्रिपल इंजन की सरकार है और बड़ी संख्या में भाजपाई पार्षद होने के बाद चौथा इंजन भी उनके साथ है, लेकिन समस्या जस की तस है। एक बड़ा सवाल, सरकार किसी की भी हो और अफसर कोई भी, जनता को तो परेशान रहना ही पड़ेगा। फर्स्ट बाइट के कैमरे की नजर से देखिए मेरठ का हाल, या फिर कहें बेहाल। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।